आज का विषय है त्रिभुज और उसके गुण, यानी कि ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम जानते हैं कि हम त्रिभुज को क्यों पढ़ें, आखिर त्रिभुज का ऐसा क्या उपयोग है जो हमारे आसपास की जिंदगी में है। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको कई सारी त्रिभुजाकार आकृति दिख जाएंगी। जैसे कि अगर आप इस इमारत को देख रहे हैं तो इस इमारत का ऊपरी हिस्सा है वो एक त्रिभुजाकार आकृति है। उसके अलावा अगर आपने कभी मूवियों में देखा होगा तो उसमें ये जो पिरामिड दिखाते हैं उसका जो फलक है वो भी एक त्रिभुजाकार आकृति है। और ये आपने एक खेल भी देखा होगा जिसमें बॉलों को जिस आकृति में सजाया गया है वो भी एक त्रिभुजाकार आकृति है। तो हमारे चारों तरफ त्रिभुजाकार आकृति भरी पड़ी हुई हैं, इसलिए उनके बारे में जानना और उनके गुणों को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज क्या होते हैं और उनके प्रकार कितने होते हैं। उसके पश्चात हम त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे कि त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होते हैं। तत्पश्चात हम त्रिभुज के बाह्य कोण को समझेंगे कि वो क्या होता है और उसके गुण को जानेंगे कि उसके गुण क्या होते हैं। और सबसे अंतिम में हम देखेंगे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग गुण क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज के बारे में, जिसे ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति है। आप इसका चित्र भी देख सकते हैं, ये एक त्रिभुज है और हम इसके शीर्ष को ए बी सी से निरूपित करते हैं। अभी हम देखेंगे कि शीर्ष क्या होते हैं, भुजाएं और कोण क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके कितने शीर्ष, भुजाएं और कोण होते हैं। इसके तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। दिए गए चित्र यानी कि एबीसी त्रिभुज में भुजाएं, कोण और शीर्ष हैं। सबसे पहले भुजाएं, जिन्हें साइड्स कहते हैं, वो हैं ए बी, बी सी और सी ए। उसके पश्चात कोण, जिन्हें एंगल्स कहते हैं, वो हैं बी ए सी, ए बी सी और बी सी ए। और शीर्ष, जिन्हें वर्टिसेस कहते हैं, वो हैं ए बी और सी। आइए अब हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज को दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले हम उसे भुजा के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल, और सबसे अंतिम विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, और विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। उसके पश्चात हम त्रिभुज को कोण के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, अर्थात 90 डिग्री से कम के होते हैं। अधिक कोण यानी कि ऑप्ट त्रिभुज, ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, यानी कि अधिक कोण होता है। और समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि समकोण हो। आइए अब जानते हैं त्रिभुज की माध्यिकाएं यानी मीडियंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। माध्यिका त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है और डी बी सी का मध्य बिंदु है, यानी कि बी डी और सी डी बराबर हैं। तो शीर्ष ए से मध्य बिंदु डी तक जो मिलाने वाली रेखा है उसे हम माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं कि ए डी एक माध्यिका है। किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं। एक माध्यिका किसी भी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज में बांट देती है। आइए अब जानते हैं त्रिभुज के शीर्ष लंब यानी कि एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। शीर्ष लंब एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर का अर्थात उस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। शीर्ष लंब एक त्रिभुज की ऊंचाई को दर्शाता है, यानी कि वो उसकी हाइट को दर्शाता है।
आप चित्र देख सकते हैं, इसमें पी क्यू आर एक त्रिभुज है और पी एम इस त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है, क्योंकि पी एम क्यू आर पर ऊर्ध्वाधर है। त्रिभुज पी क्यू आर में हमने देखा कि पी एम एक शीर्ष लंब है, यानी कि जो कोण पी एम आर है और पी एम क्यू हैं वो दोनों ही समकोण हैं, अर्थात 90 डिग्री के हैं। एक त्रिभुज में भी तीन शीर्ष लंब होते हैं। आइए अब हम जानते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल के बारे में और उसके गुण के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाह्य कोण क्या होता है। सीधे शब्दों में कहें तो त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को बढ़ाने पर दूसरी भुजा के साथ बनने वाले कोण को बाह्य कोण कहते हैं। इस कोण की एक खास विशेषता होती है जिसे बाह्य कोण का गुण भी कहते हैं। उसके अनुसार किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ए बी सी इसमें एक त्रिभुज है, तो हम इसकी किसी भी एक भुजा को लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमने सी बी को लिया, तो सी बी को हमने ई तक विस्तारित किया। अब जो विस्तारित भुजा बी ई है और त्रिभुज की भुजा ए बी है, उन दोनों के मध्य बनने वाले कोण को हम बाह्य कोण कहेंगे। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि इस बाह्य कोण का मान 133 अंश है। तो इस बाह्य कोण की विशेषता के अनुसार हम इसका मान इसके अंतः कोणों के योग के बराबर लिख सकते हैं, जो कि हम लिखेंगे कि इसमें कोण ए बी ई बराबर कोण पी ए सी धन कोण ए सी बी होगा। तो देखते हैं इन्हें सारांश के रूप में लिखें तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी ई एक बाह्य कोण है और उसका मान यानी कि कोण ए बी ई बराबर कोण बी ए सी धन कोण ए सी बी है। आइए इसे एक सरल से उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका अंतः कोण ए बी और सी है, साथ ही डी इसका एक बाह्य कोण है। हमें इस त्रिभुज में ए का मान 50 अंश और सी का मान 70 अंश दिया हुआ है और हमसे बाह्य कोण डी का मान ज्ञात करने को कहा है। तो हम जानते हैं कि इसे कैसे हल करेंगे। इसके लिए हमें बाह्य कोण गुण का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके अनुसार बाह्य कोण डी होगा जो वो कोण ए और कोण सी के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये इसके सम्मुख अंतः कोण हैं। इसलिए डी का मान होगा कोण ए का मान धन कोण सी का मान। कोण ए का मान है 50 अंश और कोण सी का मान है 70 अंश, तो डी का मान होगा 50 अंश धन 70 अंश यानी कि 120 अंश। तो बाह्य कोण डी का मान 120 अंश होगा। आइए अब हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों यानी कि इंटीरियर एंगल्स के योग गुण के बारे में, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीन अंतः कोण होते हैं, तो उन तीनों अंतः कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाता है। हम चित्र में अभी देख सकते हैं एक त्रिभुज दिया हुआ है और एंगल सम प्रॉपर्टी लिखी हुई है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी तीनों अंतः कोण हैं और तीनों का मापों का योग 180 डिग्री है, यानी कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। इस सरल से गुण को हम एंगल सम प्रॉपर्टी अर्थात अंतः कोणों का योग गुण कहते हैं। आइए इसे एक सरल से उदाहरण से और स्पष्ट करते हैं। हमारे पास प्रश्न में एक त्रिभुज है, तो हमें इस त्रिभुज में तीन अंतः कोण दिए हुए हैं 36 डिग्री 57 डिग्री और ए। तो हमें तीसरे अंतः कोण ए का मान ज्ञात करना है। आइए इस सरल से प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो लिखते हैं कोण ए धन 36 डिग्री धन 57 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कोण ए धन 93 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 36 डिग्री और 57 डिग्री को जोड़ने पर हमारे पास 93 डिग्री आया। अब 93 डिग्री को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 93 डिग्री, अर्थात कोण ए का मान आ जाएगा 87 डिग्री। तो देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना त्रिभुज क्या होता है और उसके प्रकार कितने होते हैं। उसमें हमने जाना कि त्रिभुज एक सरल आकृति होती है जो तीन रेखाखंडों से बनी होती है और उसके प्रकार को दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर,
भुजा और कोण दोनों के आधार पर उनके तीन तीन प्रकार होते हैं। उसके पश्चात हमने जाना कि त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं। माध्यिकाएं एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा होती है। उसके पश्चात हमने जाना कि त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होते हैं। त्रिभुज का शीर्ष लंब एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया ऊर्ध्वाधर होता है। उसके पश्चात हमने त्रिभुज के बाह्य कोण को जाना कि वो क्या होता है और उसके गुण को जाना। तो हमने देखा कि त्रिभुज का बाह्य कोण है उसका माप सम्मुख अंतः कोणों के योगों के बराबर होता है। फिर अंतिम में हमने देखा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, जो कि हमने देखा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। धन्यवाद। थैंक यू।